और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 26 जनवरी को हुई हिंसा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर ये। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 26 जनवरी को हुई हिंसा के पीछे एक बड़ी साजिश रची गई थी, पूरी प्लानिंग के साथ इसे अंजाम भी दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से की जा रही थी। न्यूज 18 के हाथ पॉलिटिक जस्टिस फाउंडेशन का 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन लगा है, जिससे उनकी हर साजिश बेनकाब हो रही है। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखा है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। इसके अलावा कैसे कैसे साजिश को अंजाम दिया गया उसका सिलसिलेवार तरीके से पूरा खाका दिखाया गया है। इसके साथ ही ग्रेटा थनबर्ग के खालिस्तानी कनेक्शन का पर्दाफाश हो चुका है। किसानों के मुद्दे पर रिहाना और ग्रेटा के ट्वीट के पीछे खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस का हाथ है, क्योंकि ग्रेटा और रिहाना का पीआर एजेंट मरीना पैटरसन पॉलिटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ी है। तो आपको बता दें, ये एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ न्यूज 18 के हाथ लगी है कि किस तरीके से 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं 22 पन्नों की ये पूरी प्रेजेंटेशन न्यूज 18 के हाथ लगी है, जिससे हर साजिश बेनकाब हो रही है। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले लिखा गया है ग्लोबल डे ऑफ एक्शन 26 जनवरी। इसके अलावा कैसे कैसे इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया उसका सिलसिलेवार पूरा खाका भी तैयार है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जुड़ गए हैं। आनंद, इस बारे में आप जरा विस्तार से बताइए। जी, न्यूज 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज है। मैं आपको बताऊं, ये पूरा ग्लोबल डे ऑफ एक्शन ये जो कह रहे हैं 26 जनवरी तक का जो स्पॉन्टेनियस था, ये पूरा प्लान्ड मूवमेंट था। और इसमें खालिस्तानी बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन सीख फॉर जस्टिस से पैसा खाने वाली, ISI से पैसा खाने वाली पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन का हाथ है। ये देखिए, ये उनका प्रेजेंटेशन है, 22 पन्नों का प्रेजेंटेशन है पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। और ये क्या कह रहे हैं, प्रोटेस्टिंग इंडिया फॉर फार्मर्स ऑन रिपब्लिक डे, यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन की मुहिम। अब मैं सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए पेज नंबर 2-3 में तो ये दुनिया भर से करने की बात करते हैं, लेकिन ये पूरा उनका टाइमलाइन है। 3 जनवरी को ये ऑलरेडी उसके बारे में प्लानिंग और इसकी मीटिंग कर चुके हैं। फिर 8 जनवरी को टैगलाइन और हैशटैग इन्होंने फाइनलाइज किए। 10 तारीख को नैरेटिव कि भाई स्टोरी कैसे बुननी है, कहानी क्या बुननी है। 13 तारीख को फीडबैक, फिर 17 तारीख को मीडिया मटेरियल और 20 तारीख को मटेरियल फाइनलाइज। तो जो लोग वहां बातचीत करने के लिए जा रहे थे सरकार के पास, उनको पता था कि ये होने वाला है, क्योंकि दिसंबर से लेकर जनवरी के शुरू में भी ये कहा गया था कि 26 जनवरी तक हमारी तैयारी है, 26 जनवरी की रैली तो हमको करके रहना है। तो ये देखिए एजेंडा उनका क्या था, एजेंडा आपको मैं बताता हूँ। इसमें एजेंडा क्या था, अगर आगे मैं आपको इनके ये दिखाऊं तो ये देखिए, किसान मजदूर इसकी बात करेंगे, ये इस तरह की तस्वीरें उन्होंने बुनाई। और फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि 3 तरह के पंजाबी हैं, ईस्ट वेस्ट और दुनिया भर के पंजाबी, इनको एक करना है। और खासकर उन्होंने कहा कि सिखों को ये एक करेंगे। और यहाँ देखिए, कम्युनिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया, ये मौका है, इसको हमको यूज करना है इस तरीके से कि एक ऐसा माहौल बना सके जहां ये बताया जाए कि भारत में जो है गणतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और सबसे बड़ी बात यहां पर ये, अगर मैं आपको सारे इनके प्रेजेंटेशन की बात कराऊं तो ये देखिए, इन्होंने कहा सिखों और पंजाबी कल्चरल ग्रुप को, और इन सारे रीजन्स में इनको हमको करना है, और खासकर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए में ये बवाल उनको पैदा शुरू करना है और मुहिम करनी है। और ये पूरा सोशल मीडिया कैंपेन सब कुछ यहाँ लिखा गया है, खासकर कैंपेन मटेरियल, मीडिया किट, संगत, सिख संगत की बात की गई है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं ये भी लिखा गया है कि देखिए डिस्क्रेडिट किया जाए भारत को, भारत के कल्चर को, चाय और योग के कल्चर को भी डिस्क्रेडिट किया जाए, इस तरह की बातें भी यहाँ पर लिखी गई हैं। मैं आपको दिखाऊं, ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ प्रोटेस्टर्स की बात कही गई, हर तरह की इंडियन गवर्नमेंट के साथ की बात कही गई, ये कहा कि जो कुछ इनका कल्चर है उसको आप बदनाम कीजिए। एक एक करके हर चीज में लिखा गया कि प्रोटेस्टर्स को लेके आए, साथ में भीड़ इकट्ठी करें। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से ये पूरा प्लान है 22 पन्नों का प्लान है, जहां पे लिखा गया है कि इसको हमको डिस्क्रेडिट करना है, भारत को डिस्क्रेडिट करना है। एक एक पेज पर कॉल टू एक्शन, एक एक पेज पर स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये देखिए पाई चार्ट, डायग्राम, वेन डायग्राम्स, सब कुछ बनाकर इन्होंने प्लान बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अलग अलग नैरेटिव, कि हमको नैरेटिव क्या बनाना है। ग्लोबल डे ऑफ एक्शन मैसेजेस शुड बी एवरग्रीन सो दे फोकस ऑन प्रोटेस्ट बट स्टे रेलेवेंट इवन इफ लॉज आर रिपील्ड। और हर जगह इन्होंने कहा कुछ भी नहीं, बस हमको सिर्फ ये करना है कि कानून वापसी पर बात करना है, कानून वापसी ही हमको करनी है, उसके अलावा और कुछ नहीं। ये देखिए, डिसरप्ट योग, चाय, इमेज ऑफ इंडिया इन जनरल, भारत को बदनाम करें,
भारत को फासिस्ट बताएं, भारत को ऐसा गणतंत्र बताएं जहां गणतंत्र है ही नहीं, लोकतंत्र है ही नहीं, तानाशाही चल रही है। इस तरह के नैरेटिव्स की बात की गई है यहां पर। यानी कि मैं अगर आपको पहला पन्ना ही दिखा दूं, पहला चौथा पन्ना पेज दिखा दूं, तो चौथे पेज में ही सब साफ हो जाता है। ये टाइमलाइन आपको बता देता है कि ये पूरी तरह से प्लान्ड था, एक तैयारी के थी, प्लान्ड एजेंडा है। और मैं आपको बताऊंगा कि 90 के दशक में जो खालिस्तानी आउटफिट्स ये करते थे, जो उनका उस वक्त का प्लान था, का वैसे का वैसा ही प्लान है। और आप देखिए, इसके लास्ट पेज में आपको दिखाऊं, इसको प्रेजेंट किसने किया है? मो धालीवाल वो विद्या है जो कि खालिस्तान बेंट को लेकर, खालिस्तानी एजेंडा को लेकर सालों से इस पर लगा हुआ है। ये पॉलिटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़ा है, सीख फॉर जस्टिस से जुड़ा है, खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, इसने भारत के एम्बेसी दूतावास के बाहर भी खड़े होकर धरने और मोर्चे दिए हैं, खालिस्तान के झंडे उठाए हैं। इनके पिता, मो धालीवाल के पिता को पुलिस वालों ने उड़ा दिया था 84 में, तब 84 उस दशक में जब वो खालिस्तानी एजेंडे से जुड़े हुए थे। और रेड फोर्ट पर भी आपको याद दिला दें, गणतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, जब वहाँ तिरंगे का अपमान ऊपर हो रहा था तो निशान साहब तो ऊपर लेके चले गए, लेकिन नीचे झंडे सारे येलो कलर के थे, पीले रंग के, जिसमें लिखा था राज करेगा खालसा, और वो खालिस्तानी झंडे थे, खालिस्तानी झंडों के साथ वो नीचे खड़े थे। और उन्होंने ना ही तिरंगे का अपमान किया, लेकिन निशान साहब की जगह को भी उन्होंने, उनकी उसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई। ये सारी बातें हैं, देश के लोग देख रहे हैं, ये एजेंडा साफ निकल के आ रहा है। अब जो वहां धरने पर बैठे हैं किसान, उनको फैसला करना है कि उनका एजेंडा इनसे जुड़ा है कि देश से जुड़ा है, तिरंगे से जुड़ा है कि खालिस्तानी झंडे से जुड़ा है, ये फैसला अब उनको करना है। बिल्कुल जी आनंद, अब फैसला किसानों को करना है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा की टूलकिट साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 के शैलेंद्र वांगू की खबर है कि हिंसा का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली संस्था पॉलिटिक जस्टिस फाउंडेशन के को फाउंडर धालीवाल ने खुद कैनेडा के वैंकूवर से 26 जनवरी को भारत के